स्थूल में पीपल का पत्ता है, स्थूल में कोई बच्चा है, स्थूल में कोई सागर है, ऐसे आया। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव है कि छोटे से पीपल के पत्ते पे कोई बच्चा बैठा हो और वो सागर में बड़े मजे में आहा किलोले भरता रहे, ये संभव है? तो इसका मतलब है कोई गुही अर्थ है। पीपल का पत्ता माने कोई ऐसी आत्मा है झाड़ की जो बहुत हिलती है। सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में झूलती है। कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता तो वो तो बीज है, वो तो स्थिर रहता है। कौन आत्मा है जो बहुत निश्चय अनिश्चय के चक्कर में डोल रही है, अभी भी डोल रही है? जगदम्बा। हाँ, हाँ, तो वो जगदम्बा हुआ पीपल का पत्ता। नाउ नाउ हिल रही है। सत्य की है नहीं या सत्य की डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ इनको। All the things which have been explained in the scriptures with respect to the people leaf and the Krishna as a child floating very calmly, carefree people on the people leaf and on a physical in the physical ocean, this cannot happen. So it refers to such a soul which is a part of the tree, and that leaf is a part of the physical part of the tree. बनियन ट्री। यार कल्पवृक्ष का कोई ऐसा पत्ता है बहुत हिलता है। That leaf of the kalpa vriksha, the banyan tree, which wavers a lot. In the cycle of faith and faithlessness, it keeps rocking. That the boat keeps rocking. The boat is a, of course it has got truth in it, but it rocks a lot. हाँ, तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा। That people leaf is जगदम्बा। उसमें बैठने वाला है बच्चा ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण। In it seated is the soul of Brahma, alias Krishna. Krishna. That is why the sucking thumb it shows taking knowledge. जो अंगूठा चूसने का जो अर्थ है आत्मा को चर्निंग कर रहा है। चर्निंग द सोल। चर्निंग द सोल। चर्निंग जी नॉलेज। द सोल इज चर्निंग द नॉलेज। वो अंगूठा चूस रहा है। सागर संसार सागर में पड़ी हुई है नैया। द बोट इज लोकेटेड इन द ओशन ऑफ द ओशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी दुनियावी। द वर्ल्ड द सोसाइटी वर्ल्ड। दुनियावी संसार में वो नवैया डोल रही है लेकिन पक्का है कि वो डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि कृष्ण उसमें बिठैया है और शिव बाबा उसको खिवैया है। That boat is located in the worldly society and it is rocking. But Baba says that it will never sink because the one who is seated is Krishna and the one who is the boatman is Shiv Baba. है, Shiv Baba उस नवैया को खेने वाला है, इसलिए वो डूब नहीं सकती। He is the person manning the boat, Shiv Baba. So the boat will never sink.
save him, but he takes the boat across the to the other side of the मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी, पार जाएगी। हाँ, yes, it will cross from one bank to another। हाँ जी। और बाबा से जो गंगा का फोर्ट एडवांस ज्ञान में ये होगा ना, तो ओम राधे मम्मा को उसका टाइटल पहले कैसे मिल गया? हाँ, ओम राधे मम्मा को जो गंगा का टाइटल दिया गया, एडवांस में वो प्रत्यक्ष होगी, जगदम्बा प्रत्यक्ष होगी ना। हाँ। तो प्रत्यक्षता से मतलब एडवांस से पहले बेसिक में ओम राधे मम्मा को सरस्वती जगदम्बा सरस्वती कहा गया। हाँ। टाइटल मिला। हाँ। तो पाठ यहाँ है तो वहाँ टाइटल इससे चला गया, टाइटल यहीं पर मिलना चाहिए था ना। माताजी इज आस्किंग द क्वेश्चन, how come the title of Jagadamba Saraswati is being given to Om Radhe Mamma in the BK when the Jagadamba is the part which is being played in the advance? How come the title was given previously? वो तो title था ना, original थोड़ा ही था। Baba is telling it was just a title, it was not the original। वो शरीर तो खत्म हो गया ना, Om Radhe का शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा तो है, तो जो आत्मा है वो कोई में प्रवेश कर रही होगी ना। तो मतलब जगदम्बा का पॉट ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं? नहीं, हाँ, जगदम्बा वास्तव में तो ब्रह्मा ही जगदम्बा है, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में उसको नहीं रखा गया। लेकिन ब्रह्मा की पूजा भले नहीं होती है, लेकिन वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में। फिर ओम राधे मम्मा का क्या? क्या ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा, ऐसे ही मम्मा है छोटी मम्मा, तो छोटी मम्मा में आएगी। इट हैज बीन सेड इन द मुरली दिस ब्रह्मा हिम इज योर जगदम्बा, बट द वन हु इज हैविंग अ मस्टैच एंड बियर ही कांट बी your mother, that is why Om Radhe Mamma was chosen. But when the very same soul of Brahma after leaving the body it will enter in some mother and complete the part of Jagadamba. So Brahma Baba is chota Baba, means the small Baba. शिव बाबा बड़ा बाबा। शिव बाबा इज द बिग बाबा। जगदम्बा बड़ी अम्मा। जगदम्बा इज द बिग मदर एंड लक्ष्मी छोटी अम्मा। लक्ष्मी इज द स्मॉल, तो छोटी अम्मा में प्रवेश करेगी। सो दैट छोटी अम्मा ओम राधे विल छोटी अम्मा लक्ष्मी में प्रवेश करती है, बड़ी माँ जगदम्बा में प्रवेश करती है, बड़ी अम्मा में प्रवेश करती है। बाबा, अगर किसी चीज को पूरी करने की इच्छा हो और वो मतलब साकार में पूर्ति ना हो, स्वप्न में उस चीज की पूर्ति हो, तो इसका मतलब तो क्या पूरी ना होती हो? तो अगर साकार में पूरी ना हो और स्वप्न में पूरी हो, हाँ, इसका मतलब कहाँ पूरी हुई? स्वप्न में स्वप्न में हमने मकान बना लिया, साकार में हम मकान नया मकान में रहना चाहते थे लेकिन नया मकान नहीं बना सके, और स्वप्न में हमने मकान बना लिया उसमें रहने लगे, तो क्या उसको ये ओरिजिनल कहेंगे के प्रैक्टिकल कहेंगे? नहीं बाबा, ऐसा हुआ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं भर्ती करने गई तो भर्ती के नियम अनुसार तो हमें अपनी लौकिक परिवार को भूल जाना चाहिए। हाँ? तो वही बात हुई, मैं अपने लौकिक परिवार को भूल गई थी, लेकिन एक दिन हुआ कि मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, तो मुझे उस बच्चे को देखकर अपने छोटे से बेटे की याद आई, तो मैं तुरंत वो याद भगा दिया। लेकिन ये बात हुई जब रात को सोई तो सपने में देखा कि मैं अपने बेटे को लाड प्यार कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ?
आपकी भूल है, सपने में आपने देखा कि छोटा बच्चा है, वो तो बड़ा बच्चा है। शिव बाबा बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है, वो तो यज्ञ में आपको पहले ही मिल चुका था, पूर्व जन्म में ही मिल चुका था। और माता जी आस्क्ड अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल एज सच दैट वी विश फॉर समथिंग and that which wish is doesn't get fulfilled physically but it gets fulfilled in our dreams, can it happen? So Baba says that how can you say that we wish to build a house and our wish is yet to fulfill and in our dreams we have built a house, can we say that we have completed our wish practically? So it cannot be said that wish is fulfilled practically. So Mataji said it happened so that in my bhakti we are told to forget our outside world. So in attempting so in my I saw a small child. Mataji, please correct me if I am wrong in my translation. Yes, actually, yes. During my bhakti, we are supposed to forget our Laukik Parivar. So, I did forget them, but one day during the bhakti, I saw a small child. And immediately I remembered my son. But I instantly drove that thought away. That it happened to me at night when I slept. I saw my son and I was playing with him. I was like cuddling him and everything. So I asked Baba, what is the meaning of it? So Baba said that it was your wrong assumption. What you happened to see in your dream as a small child, it was not a small child, it was the big child Shiv Baba, who you had already got in the beginning of the yagya. Small child isliye dekh liya ki bhakti marg mein 63 janam se Krishna ko dekhte chale aaye, Krishna jaisa bachcha mile तो वो स्मॉल समझ लिया, लेकिन जो वहाँ कृष्ण है भक्ति मार्ग में वही तो शिव बाबा है। Why she happened to see the small child is because that all in our bhakti cult we used to see Krishna as a small child. But actually here we come to know that Krishna doesn't come to the stage, you know. गीता का भगवान कृष्ण जिसे कहा गया है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो शिव बाबा है। बाबा सेड दैट जस्ट लेट मी कंप्लीट व्हाट बाबा हैज सेड, द गॉड ऑफ गीता व्हिच हैज बीन शोन एज कृष्णा इन द भक्ति मार्ग इज नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज एक्चुअली द Shiv Baba. And it has been assumed wrongly as Krishna. Yes, now you can. You wanted to say something. Krishna, they portray it in a small baby stage, no? But he doesn't come to the stage. जो चित्र में एक छोटा बच्चे के रूप में जो दिखाते हैं कृष्ण, कृष्ण को वो तो स्टेज में तो आता नहीं ना, ऐसे क्यों फिर दिखाया जाता है छोटा बच्चा को? क्योंकि बच्चा बुद्धि है, बिकॉज ऑफ द चाइल्डिश इंटेलेक्ट। कृष्णा इज रेफरिंग टू द ब्रह्म सतयुग कृष्णा। तो माता जी पूछ रहे तो जो छोटा बच्चा दिखा रहे इसका मतलब है जो सतयुग कृष्ण है उसकी बात है क्या? नहीं, संगम युग में अभी है बच्चा बुद्धि है, संगम युग चाइल्डिश इंटेलेक्ट। Brahma Baba, who has got the childish intellect, the poet has portrayed him as a child. The person having the childish intellect, he has been portrayed as a child in the poetic sense. Baba, Kampir में एक बहुत ऊंची इमारत है, ये मंदिर है राधा कृष्ण की। चढ़ते जाते हैं नीचे से नीचे के मंदिर में वो बंद था, तो चढ़ते 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 ऊपर गए
ऊपर से सारा कंपनी दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ से नीचे भी झांक सकते हैं, झांक सकते हैं मतलब कि ऊपर के मंदिर जो बने हैं नीचे झांकेंगे, तो वैसे तो मंदिर तो कुछ खास चीज नहीं है, चित्र है, मतलब कृष्ण की लीला इत्यादि चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर, और नीचे वहाँ से दिखाई देता है नीचे का जो निचला मंदिर है पहला मुख्य, तो उसमें छोटी छोटी खिलौने जैसी चीजें दिखाई देती हैं। तो जब नीचे हम उतरते हैं और मंदिर के अंदर झांक के देखते हैं, तो एक छोटा सा पालना रखा है, बोलते हैं उसमें छोटी सी मूर्ति रखी गई है कृष्ण की, जो पुजारी उसको नहलाता है, उसको ये करता है, पूजा करता है, और बोलते हैं जब तक वो भोग नहीं लगाएगा तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और एक दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो क्या संगम युग के हमारी आप कितने हिंदुस्तान में मंदिर हैं, कहाँ कहाँ तक किसका किसका क्लेरिफिकेशन मांगेंगे? बेहद में कोई संबंध कोई नहीं है उसका। अरे कृष्ण माने भगवान शिव बाबा, शिव बाबा इस दुनिया में आता है तो विकारों का भोग मांगता है, उसको जब तक भोग पूरा नहीं लग जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होने वाला है, उसका भोग पूरा होगा तभी उसके दर्शन होंगे मंदिर में। जब भोग लगता है तो पर्दा डाल देते हैं, दरवाजे भी बंद कर देते हैं, और गीता पाठ चलता रहता है। माता जी शेयर समथिंग अबाउट व्हाट शी एक्सपीरियंस्ड इन द टेंपल इन कंपिल। बाबा सेड देयर आर डिफरेंट टेंपल्स व्हिच हैव डिफरेंट डिपिक्शंस located all throughout India, so we can't comprehend each and every one of them. But of course, what has been shown as that we need to offer something before we get the glimpse of the deity. Baba explained the meaning of that. That has been shown as Krishna is referred to Shiv Baba. Shiv Baba doesn't reveal, gets revealed completely until we offer the vices completely. Only then he can be revealed. The revelation takes place after the offering of vices has been given. That is why it has been shown that when the offering is given to the deity, they draw curtains. They offer ak flower, no? That is supposed to be there. जो भोग देते हैं ना, अख का फूल चढ़ाते हैं ना भोग में, पूछ रहे हैं। That is the forgiving of vices, no? अख का ही फूल चढ़ाते हैं, गुलाब का नहीं चढ़ाते हैं क्या? बाबा is asking. धतूरे का फूल नहीं चढ़ाते हैं क्या? The flower of ak. Flower माने? हाँ. बोल दो याद नहीं रहेगा तुम्हें। बाबा इज सेलिंग इज इट ओनली द फ्लावर ऑफ अक और द फ्लावर ऑफ धतूरा विच इज बीइंग ऑफर्ड, हैव यू नॉट सीन द ऑफरिंग्स ऑफ रोज फ्लावर? वैरायटी फ्लावर्स, उसमें गुलाब के फूल भी हैं, खुशबू देते हैं, उसमें अक के फूल हैं, बदबू देते हैं, बदबू माने बेविचार की बदबू। अक का फूल छोटा होता है, छोटा माने कन्या है, लेकिन आज के समाज में कन्याओं को ही गंदा कर देते हैं, तो अक का फूल हो गया। सी बाबा एक्सप्लेन टू यू व्हाट रेफर्स टू द फ्लावर विथ रेस्पेक्ट टू द flower of ak, which gives foul smell, and the rose flower which gives fragrance. So variety souls get offered. So flower refers to small Sure.
फ्लावर ऑफ अक, फ्लावर ऑफ अक, फ्लावर ऑफ अक रेफर्स टू सच गर्ल्स हु बिकम इम्प्योर इन द प्रेजेंट वर्ल्डली सोसाइटी. बधु वाले विच एमिट्स फाउल स्मेल अमंग द अदर फ्लावर्स. द फ्लावर ऑफ अक विच इज बीइंग ऑफर्ड विच गिव्स फाउल स्मेल बाबा रेफर्स देम टू such small girls who are impure, who become impure of the worldly society of today. Baba ne kaha ki Lakshmi pavitra rehti hai, wo pavitra hai, to gulab ke phool bhi chadhaye jaate. So the rose flower which gives fragrance, Baba refers to Lakshmi. Which stays pure always. So it is the fragrance. धतूरे का फूल लंबा होता है, लंबा छेद होता है, माने बदबू भी आती है उसमें. तो विचारी जो माताएं बन जाती हैं उनको बोला गया है धतूरे का फूल. ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के फूल हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम अपवित्र हुए हैं, कोई ज्यादा अपवित्र हुए हैं, कोई बिल्कुल अपवित्र नहीं हुए हैं. जैसे लक्ष्मी जैसी आत्माएं, लक्ष्मी जैसी आत्माओं का हुजूम निकलेगा तभी प्रत्यक्षता हो जाएगी. बाबा कहते हैं कि विनाश में सब कुछ नष्ट हो जाएगा. सब कुछ माने पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, यह चीज है जो लोग बनाते जा रहे हैं सब नष्ट हो जाएगा. तो अभी भारत में एक बड़ी सड़क बनी है यमुना एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस, तो इतना पैसा खर्च करके बनाया गया होगा. इंडिया में ही बनाई गई, दूसरे देशों में नहीं बनाई गई है. बनाई गई है लेकिन ऐसी सड़क नहीं है जैसे यहाँ पर बनाई. विदेशों में तो ज्यादा ट्रैक वाली सड़कें हैं, बहुत वहाँ तो 200 मील पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं. इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी चौड़ी है. इंडिया में तो कुछ नहीं है. इंडिया में तो लोन लेकर के सड़कें बनाई है विश्व बैंक से. Highway. I said, have you not seen such express highways in the other countries? Over there are many such express highways which have the speed limit up to 200 kilometers per hour. And such express highways are not there in India. And those that are there, even they are built by taking loan from the World Bank. एक है ये बम्बई टू पूना, पांच ट्रैक वाली बम्बई टू पूना हाईवे, फाइव लेन रोड, पांच गाड़ियां एक साथ दौड़ सकती हैं. फाइव व्हीकल्स कैन गो साइमल्टेनियसली इन, पांच गाड़ियां दौड़े एक साथ और पांच आए वापस आए एक साथ. ऐसी फाइव टू द वन साइड, फाइव लेन टू द अदर साइड. कनाडा में भी ऐसे तो फाइव ही, लेट इज व्हाट बाबा सेड. लंदन में भी होंगे, इवन लंदन आल्सो दैट्स अ रोड सिटी ना, द प्लान सिटी कनाडा एंड अमेरिका ओल्ड सिटी दे. मतलब शहर के भीतर जो है, लंदन तो पुराना शहर है ना, भीतर तो नहीं होगा. हाँ, इन द आउटस्कर्ट्स लंदन, नॉट लंदन, आउटसाइड यूके. Extension of the city. बाबा मॉरिशस के लिए, मॉरिशस एक छोटा सा टापू है, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि उसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है. और फिर उसने वहाँ मॉरिशस में एक सुप्त ज्वालामुखी है और उसके करीब तक लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, जबकि सबकी बुद्धि में जानते हैं कि
ये एक ज्वालामुखी है, सुप्त सोई हुई कभी भी जाग सकती है, और उसका कनेक्शन दूसरे टापू यूरेनियम से एक बड़ी ज्वालामुखी जो एक्टिव है, जीवित ज्वालामुखी है, वो विस्फोट करती रहती है, उससे उसका कनेक्शन है अंदर अंदर। तो कहा जाता है कभी वो जागेगी तो उसी के विस्फोट से मॉरिशस खत्म हो जाएगा। फिर भी लोग ये वहाँ के जो मतलब कि सरकार है दूसरे देशों को नकल कर के बड़ी बड़ी सड़कें बनाते जा रहा है। माता जी asked about the Mauritius, which is an island nation, which has taken its birth from the volcanic eruptions, which have cooled down to become an island. So there is one such volcano mountain which is not active at present. But dormant, which is dormant. Which is dormant, which is not active, it has been said that if that volcano starts erupting, it will destroy everything. ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है जमीन के अंदर से, वो लावा जब सूख जाता है तो चट्टानें बन जाती हैं। ये पहाड़ जितने भी हैं वो सब पहले कभी ज्वालामुखी फूटा था और बाद में वो चट्टाने जम गई लावा की और वो पहाड़ बन गए। दुनिया के सारे ही पहाड़ इस तरह तैयार हुए हैं। अब दुनिया का विनाश होगा तो भूकंप से ही तो विनाश होगा, ज्वालामुखी फटेंगे चारों तरफ उससे ही विनाश होगा। पृथ्वी में विस्फोट आता है तो कंपन हो जाता है, कंपन होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर पड़ेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी तो उसमें रहने वाले ज्यादातर लोग बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मल्टी स्टोरीज में। ज्यादा विनाश ज्वालामुखी के विस्फोट से ही होगा, भूकंप से होगा। कैसे डिस्ट्रॉय होगा उसका कनेक्शन अंदर अंदर लापुने से है, लापुने से वोल्केनो है, बहुत बड़ा वोल्केनो है जो एक्टिव है, रेनियन में है, रेनियन पासी में है, पासी में आधे घंटे के सफर से पहुंच जाते हैं वहाँ हवाई जहाज से, तो वहाँ पर उसका वो बड़े रूप में विस्फोट करती है। वहाँ कोई बस्ती नहीं है, उसके दूर बस्ती है, तो बोलते हैं कि उसका कनेक्शन डायरेक्ट उससे है, तो कभी भी वो यहाँ पर आकर विस्फोट कर सकती है तो मॉरिशस खत्म हो जाएगा, ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो फिर और सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। फिर भी लोग मॉरिशस क्या जानते हुए उसकी चोटी तक घर बनाते चले जा रहे हैं। और बम्बई में और सड़कें भी दूसरे देशों को देख देख कर सड़कें बनाते जा रहे हैं। वैज्ञानिक सभी जानते हैं कि उत्तरी क्या ध्रुव में और साउथ पोल में जो ऊंचे ऊंचे कई कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो दरार पड़ रही है उनमें, दरार पड़ते पड़ते सूरज का गर्मी ज्यादा बढ़ते बढ़ते ओजोन फूटते फूटते वो सारे पहाड़ समंदर में आ जाएंगे, तो समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। बम्बई में जो साइंटिस्ट रहते हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन बम्बई में बराबर मकान बनते चले जा रहे हैं, पानी सुखाते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं। भगवान मॉरिशस में भी एक ऐसी जगह है समुद्र किनारे, एक छोटा सिटी जैसा बनाया गया समुद्र भर कर, जैसे बम्बई समुद्र को भर करके पाट करके सुखा करके बम्बई बनाया गया, ऐसे ही वहाँ भी बना रहे होंगे। वहाँ टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया, कभी बाढ़ आई थी तो वो डूब गई थी आधा। काय में बाढ़ आई समुद्र में, समुद्र का स्तर उठने लगा बाढ़ के समय, बरसात हुई थी, बहुत बरसात हुई थी लगातार कई महीने तक बरसात हो रही थी। अभी हाल में बरसात होगी तो बरसात का पानी सारा समुद्र में चला जाए, खत्म हो जाए, उठते 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 आधा वो भर गया था। और वो मॉरिशस इस सबसे सुंदर जगह है जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। आप माता जी आप ज्ञान के प्रश्न पूछिए, ये तो सब हो गई।
ज्ञान के प्रश्न सुना। अब कुछ नहीं है आपके पास? प्रश्न नहीं है बाबा। हाँ। प्रश्न नहीं है, नहीं है। सब शंकाओं का समाधान हो गया। चलो ठीक। आपका कुछ रह गया? अच्छा ठीक है। अभी अभी आपका क्या प्लान है? है माता जी कुछ पूछे? तो बाबा सेज मुरली ऑल द अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया गोइंग टू गो अंडर वाटर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द पीबीक्स हु लिव इन द फॉरेन लैंड, विल दे बी बॉडी टू बी प्रिजर्व? हाउ? छोटे छोटे टापू बचेंगे, उन टापुओं पे जाकर के अंत तक पिकनिक मनाएंगे। पीबी केस बाबा सेड दैट एवरीथिंग विल गेट ड्राउंड इन द सी, बट ऑफ कोर्स सम आइलैंड्स विल बी लेफ्ट वेयर द पीबी केस will enjoy picnic till the end. दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत भी सारा डूब जाएगा, छोटे छोटे टापू बचेंगे, उन टापुओं पे जा करके पिकनिक मनाते रहेंगे। कैसे पहुँचेंगे? हैं? कैसे पहुँचेंगे विनाश के समय? विनाश के समय साधन नहीं बढ़ेंगे, अभी साधन बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? आगे भी साधन बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अंतिम वो परमधामी स्टेज तो माउंट आबू में बनेगा, तो हम पिकनिक करने क्यों जाएंगे? परमधाम में जो परमधामी स्टेज बनेगी वो तपस्या करने वालों के लिए बनेगी। तपस्या करके जो ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगे उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर विदेशों में भेजा जाएगा। अच्छा। जाके सेवा करो, वहाँ सेवा के फील्ड में उनसे पाप हो जाएंगे, पाप होंगे तो फिर तपस्या भूमि में जाएंगे, अगर पाप न हुए पुण्य ही हुए तो दिल्ली में जाएंगे स्थापना भूमि में, जहाँ जमुना के किनारे स्थापना होगी। तीन होंगे, एक तपस्या धाम और एक सुख धाम और एक राज्य करने का धाम, जिसकी यादगार अहमदाबाद में 108 मूर्तियां रखी हुई है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रुप्स में, तीन ग्रुप होंगे अलग अलग स्थानों में। राज्य करने वालों का ग्रुप, उनको सेवाधारी ग्रुप भी कह दो, तपस्या ग्रुप और सुखधाम स्थापन करने वालों का ग्रुप। तो हर एक जगह पर एक मुखिया होगा या कैसे? एक ही कंट्रोल करेगा सबको, कैसे अलग अलग? राजाएं ज्यादा सुखी होते हैं कि रानियां ज्यादा सुखी होती हैं? रानियां ज्यादा, तो रानियों की हेड कौन है? लक्ष्मी, तो वो सुखधाम की हेड हुई। तपस्या धाम की हेड कौन है? शंकर जी। और राजा ही करने वाले जो हैं वो तपस्या करने वाले ही आना जाना करेंगे था सुखधाम और शांति धाम से। आना जाना करेंगे अगर सुखधाम से नहीं करेंगे, तपस्या धाम से। सुखधाम में तो जो एक बार पहुंच गया वो पहुंच गया, तपस्या धाम में तपस्या पूरी होने को होगी, फिर उनकी देखा जाएगा कि लायक बने हैं, वहाँ पर परीक्षा में पास होते हैं तो फिर जाएंगे सर्विस फील्ड में, विदेशों में भेजा जाएगा, फेल हो गए तो फिर तपस्या धाम में आ जाओ, पास हो गए तो सुखधाम चले जाओ, धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, समझा दीजिए।
तीन ग्रुप्स होंगे बाबा ने कहा, तपस्या धाम, सुख धाम और आने जाने करने वाले जो राजा बनने वाले हैं। थ्री ग्रुप्स, वन विल बी इन तपस्या धाम, सो मेडिटेशन प्लेस, मेडिटेशन प्लेस। सेकंड इज सुख धाम, वेयर देयर विल बी हैप्पीनेस। थर्ड इज राजाई करने का धाम, वेयर देयर विल बी किंगडम। सो द फर्स्ट वन फॉर तपस्या धाम, इट्स एट शंकर इट्स हेड, एंड फॉर सुख धाम लक्ष्मी विल बी द हेड, बिकॉज रानिया मतलब क्वींस, क्वींस व्हेन यू कंपेयर किंग एंड अ क्वीन इन बिटवीन द बोथ, विच इज द वन विच इज हु एंजॉयज द मोस्ट, इट्स द क्वीन। So that's why it's Lakshmi. Mm-hmm. She is Sukhdham ka matlab hai. And then Rajai karne ka dham, who are the middle kingdom. So they will come and go from tapasya. And once they if they fail, they will go again to tapasya dham. And if they pass, they will go directly to Sukhdham. And if they go to Sukhdham, it's permanent. There is no ana jana coming and going and coming from there. But if they fail, they go to the tapasya dham and come back to Rajai. Seva field mein jayenge na baba? Seva field mane? Seva field mane controlling. Controlling mane Rajai ki shooting. हाँ. हाँ. तो field से अगर field हो गए? जो seva field में जाते हैं, उनसे mostly गलतियाँ भी तो होती रहती हैं. कुर्सी की नशे में आ जाते हैं तो देवहान में आके गलतियां करते हैं, गलतियां करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ेगा, पाप का बोझा चढ़ेगा फिर तपस्या करो। दोज गो टू द फील्ड ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द सीट, मिस्टेक्स टेंड टू हैपन। So, on the basis of their mistakes, they will have to come back and practice penance. Shanti Dham, if you set up practice penance. Shanti Dham, Mount Abu. Sukhadham, Delhi, Jamuna ka Kantha. Aur Rajya karne ka Dham, Ahmedabad. Ahmedabad, Rajya karne ka Dham. Where you control. That's Ahmedabad. हो गया। चलो हो गया, उठो उठो देर हो गई। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो ये निंदा की बात है या महिमा की बात है? पतितों को पावन बनाना और सारी दुनिया को पावन बनाना, कोई तो प्रोसीजर होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये महिमा की बात है या ग्लानी की बात है? और वो गुरु लोग सफेद साड़ी वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, वो निंदा करते हैं पतित पावन की या महिमा करते हैं? क्या कहते हैं? हैं? हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, ये तो भ्रष्ट करने वाले हैं। हम असली हिंदू हैं, जो पहले देवता थे। हिंदू माने दू माने दुईते, हिंग माने हिंसा। हम
हिंसा को दूर करने वाले हैं। कौन सी हिंसा? काम कटारी की जो हिंसा है उस हिंसा से हम दूर करने वाले हैं। तो उस हिंसा से दूर करने वाले हैं या सरेंडर हुई कन्याओं को और ही दुर्योधन दुशासनों के हवाले कर देने वाले हैं? हिंसा को बढ़ाएंगे अगर कन्याओं को बिना माता के किसी सेंटर में रखा जाएगा तो उन कन्याओं को दुर्योधन दुशासन अपने कब्जे में कर लेंगे या उनको पावन बनाएंगे? है तो ये चक्र चल रहा है देहधारी गुरुओं के द्वारा पतित बनाने का। बाप आकर के पावन बनाते हैं, बिचारी फंसी हुई है, कोई निकालने वाला नहीं है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकारी तबके के जो बड़े बड़े होदेदार हैं, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, कलेक्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो जहां वहां जाकर के सलाम बजा के आते हैं कि अंदरूनी गहराइयों को पकड़ पाते हैं और ही सलाम बना के आते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो बड़े से बड़े 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 हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल, ये बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए स्वीकृति दी है या नहीं दी है? है? दी है? नहीं दी है। फिर ये क्यों खोल रहे हैं? है? है? अरे ये हॉस्पिटल जो दुनिया में भारतवर्ष में खुले हुए हैं, शहर शहर में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, उनमें परिवार नियोजन अनिवार्य है या नहीं है? है? परिवार नियोजन के केस ज्यादा से ज्यादा खींच के लाना और सरकार को दिखाना, ये अनिवार्य है या नहीं है? है? अनिवार्य है। अब ये ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते होंगे या नहीं आते होंगे? है? बाहर की दुनिया से आते होंगे ज्यादा से ज्यादा या ब्राह्मणों की अंदर ही दुनिया से आते होंगे? है? अंदर की ही दुनिया से आते हैं। तो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज बचेगी या दाढ़ी की लाज खलास हो जाएगी? खलास हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता है। बाबा आबूबासी ब्रह्म कुमारियों से नफरत करते थे, हम नाम बोलते थे, किसी के भाव स्वभाव संस्कार और उसकी चाल चलन का पता नजदीक वाले रहने वालों को पता चलता है या दूर वालों को पता चलता है? नजदीक जो रहते हैं उनको पता चलता है। तो आबू वाले, माउंट आबू वाले जो गांवड़े के लोग हैं, वो असली बातों को जानते हैं, चाल चलन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, या दूर वाले जानेंगे? है? नजदीक वाले जानेंगे, उनमें सच्ची बात जल्दी फैल जाती है। और इसीलिए वो गांव वाले नफरत करते हैं। अड़वंगा माने जैसे महाकाली का रूप दिखाया गया है वो अड़वंगा रूप है या अन्य देवियों की तरह सीधा साधा रूप है? है? अड़बंगा है। किसी की समझ में नहीं आएगा जल्दी,
कि ये क्या है, अंदर से क्या है और बाहर से क्या दिखाई पड़ती है। ऐसे ही शंकर के लिए बोला है अड़भंगा, शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो अड़भंगा है या सीधा साधा है? हैं? अड़भंगा है। और एक सौ आठ का माला जो है वो युगलम का माला है। 108 की संपन्न जो विजय माला बनेगी वो तब बनेगी जब रुद्र माला के मणके विजय माला में ऐड किए जाएंगे। ये रुद्र माला के मणके वो हैं जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं भारत के, और भारत के इन राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रख करके पाप किया है या पुण्य किया है? हैं? पाप कर दिया। पाप करने के कारण यथा राजा तथा प्रजा भी वो ही पाप करती है। राजा के पास धन संपत्ति बहुत है तो ढेर की ढेर रानियां रख सकता है खुलेआम, और प्रजा के पास इतनी धन संपत्ति नहीं होती है तो क्या करेगी? है? चोरी छुपे काम करेगी, समाज की नजरों से चुरा के ढेर की ढेर रानियां पटरानियां बनाएगी। तो यथा राजा तथा प्रजा, विचार भारत में फैलता जाता है या कम होता जाता है? है? बढ़ता जाता है। ये राजाएं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, ये ज्यादा पतित बनते हैं या कम पतित बनते हैं? है? ज्यादा पतित बनते हैं। दुनिया में भी देखा जाता है, दुनिया में आज भी भारत में खास कन्याओं का पतन जास्ती होता है या कुमारों का पतन जास्ती होता है? कुमार अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं या कन्याएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं? है? कन्याएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं। तो जैसा दुनिया में होता है वैसा ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। यहां जो राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के, भले स्त्री चोला है पुरुष चोला है, चोला कुछ भी है, चोला बाहरी दृष्टि है या अंदरूनी है? बाहरी दृष्टि है। अधि आत्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर की बात नहीं है चोला देखना। अध्यात्मिक बात क्या है? आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट भरा हुआ है, राजाओं का पार्ट भरा हुआ है या स्त्री बनने का पार्ट भरा हुआ है, प्रजा बनने का पार्ट भरा हुआ है, देखना है, वो है आध्यात्मिक। तो ये रुद्रमाला के मणके जन्म जन्मांतर के पतित हैं। ये पतित पावन के संग में आएंगे तब पावन बनेंगे, आपस में एक दूसरे के संग के रंग में आएंगे तो पावन बनेंगे। हैं? पावन के संग में आएंगे, और वो पावन है कौन? चंद्रवंशी ठंडे हैं या सूर्यवंशी ठंडे हैं? हैं? चंद्रवंशी ठंडे मिजाज के, जो ठंडे मिजाज के होते हैं वो पक्के देसी हैं, या जो गर्म मिजाज के गर्म देश के होते हैं वो पक्के विदेशी हैं? है? अरे जो विदेशी लोग हैं वो ठंडे देशों से आते हैं या गर्म देश से आते हैं? ठंडे देशों से आते हैं, वो दुनिया भी विदेशी है। और ये चंद्रमा की औलाद है, ये ठंडे हैं, दिलो दिमाग से भी ठंडे हैं, इंद्रियों से भी ठंडे हैं,
इसलिए इनको ज्यादा विकार परेशान नहीं करता है। विदेशों में ठंडे दिमाग के होने के कारण, शीतल इंद्रियां होने के कारण, इंद्रियों का ज्यादा सुख भोगने के लिए ऐसी ऐसी दवाइयां बनाते हैं। एक एक दवाई को देखा जाए जो उत्तेजना को बढ़ाने वाली होती है। क्या विदेशी दवाइयां कैसी होती हैं? विकार पैदा करने वाली होती हैं या निर्विकारी बनाने वाली होती हैं? पैदा करने वाली। वहां है स्थूल दवाइयां, यहां है ज्ञान की दवाइयां, बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान। तो जो रुद्रमाला के मणकों को एडवांस ज्ञान मिल रहा है लंबे समय से, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पतित हैं और बाप बेहद का पतितों से घृणा करता है या पतितों को अपनाता है, हैं? अपनाता है। जो साधु सन्यासी है वो गृहस्थियों को कैसा समझते हैं? है, गृहस्थी गिरे हुए हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। और बाप हीन दृष्टि से देखता है या ऊंची दृष्टि से देखता है? बाप ऊंची दृष्टि से देखता है, इसलिए बाप ने घोषणा कर दी कि आगे चल करके जो युगल हैं ज्ञान सुनाने वाले, उनका नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो वो युगल प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? प्रवृत्ति मार्ग के होंगे। और दस ग्रुप बना के ग्रुप बना के भेजे थे, अभी उसका जो बीच आ रहा है और एक एक ग्रुप को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? माउंट आबू ने, जो जिन्होंने कार्यक्रम आए। माउंट आबू वाले बुला रहे हैं? नहीं बाबा, बॉम्बे वाले, एडवांस वाले। अभी हम लोग तो इकट्ठे हुए थे ना सेवा के लिए। हाँ। उसमें कुछ माताएं निमित्त बनी थी ना सब आयोजन करने के लिए। हाँ। तो वही माताएं बोल रही है कि एक बार तो आपने संदेश दिया। हाँ। अब जो जो कोर्स करने के इच्छुक है उनको आप लोगों को ही आगे कोर्स कराना पड़ेगा। हाँ। वही पूछ रहे हैं कि दोबारा क्या करना है, जाना है नहीं जाना है? किसी को संदेश देना है तो बीच में छोड़ देना अच्छा है या उसको किनारे लगाना अच्छा है? तो अपने सोचने की बात है। दूसरा बुलाए तब हम जाएं तो थोड़ा हिस्सा बुलाने वाले का भी बनेगा या नहीं बनेगा? वो बात नहीं है, जब ग्रुप है ना। हाँ? तो इकट्ठा कैसे जाएंगे? तो वहाँ पे सुविधा रहना चाहिए ना। वहाँ सुविधा रहने की, खाने पीने की सुविधा रहना चाहिए ना। अच्छा, वो खाने खाने पीने की सुविधा दूसरे करेंगे तभी हम हमारी सुविधा हम सेवा कर सकेंगे। हम अपनी सुविधा खाने पीने रहने की खुद करके सेवा नहीं कर सकते? अरे तो फिर किसी के बुलाने की क्या दरकार? ये तो अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए कि जिन लोगों को हमने संदेश दिया है उस संदेश देने वालों को हम बाप का बना के छोड़ेंगे। किसी के बुलाने से हम जाएंगे ऐसी आशा करना अच्छा नहीं है। नहीं बाबा, अभी जो ग्रुप की जो अब माताओं को ही ज्ञान सुनाने के लिए परमिशन दिया था भाई लोगों ने कार्ड बोल के रहना, तो माताएं तो हमारे गारंटी देगी ना कि भैया अब जो जो हमने जिसको पालना दी है, जिसका बीज डाला है, तो उसी को भी हम जाके खुद से पालना दे, ऐसा ग्रुप बुला रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, करो करो कुछ करो, सेवा करो, कैसे भी करो, माताओं को गुरु बना के करो, कैसे भी करो। बाबा एक दिन हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे भी सेवा की आबू में,
तो वहाँ पर सेवा करते करते एक भाई जो वहाँ के हेड थे स्टेशन मास्टर, हाँ स्टेशन मास्टर, पीके में चलने वाले, हाँ तो वो हम लोग क्या करते थे, जब वो अपने कैंडिडेट को चढ़ा देते थे ट्रेन में चले जाते थे, तो हम उनको अपना पंपलेट देते थे क्योंकि सामने नहीं देने देते थे। तो कुछ माताओं ने क्या किया, उसी भाई को पकड़ के समझाने लगी, ज्ञान देने लगी। तो भाई ने बोला ठीक है आपके पास जो भी पंपलेट है सब हमें दे दो। माताओं ने सोचा कि शायद इनको देंगे तो ये पढ़ेंगे। तो भाई ने लेकर के सारे ब्रह्म कुमारियों को जाकर के दिखा दिया, देखो ये जो पीले कलर का, लाल कलर का, नीले कलर का है, ये पंपलेट कोई मत लेना, सब संकट बाजी देने वाले, सब कुछ आपको बता दें। कोई सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस करते हैं, कोई किसके पुजारी, कोई किसके पुजारी, वो देहधारी गुरुओं के पुजारी हैं तो देहधारी गुरुओं को ही बताएंगे जाके, आपकी बात एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। धंधे धोरी में साहूकारों को लूटो, गरीबों को मत लूटो। तो ये हद की दुनिया में ये बात अच्छी बोली या खराब बोली? सुल्ताना डाकू गरीबों को लूटता था या साहूकारों को लूटता था? साहूकारों को लूटता था, और लूटा हुआ धन किसको दे देता था? गरीबों को दे देता था। वो तो हद की बात हुई। यहाँ बेहद में, बेहद में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी कौन माने जाते हैं, जिनकी बहुत पूजा होती है, बहुत मान मर्तबा है, बहुत लोग उनको मानते हैं, वो कौन है? है? कोई देहधारी धर्मगुरु है ना, तो उनको लूटो। है और ओम शांति।